गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रा इंस्टीट्यूट में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मंडी परिषद 30 मई एग्जाम पास में है और चंद्रा इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों के लिए दिन पर दिन जो है लगातार मेहनत आपसे ज़्यादा करते हुए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कथन और पूर्वधारणा। जैसा कि स्टूडेंट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं ये कथन और पूर्वधारणा, कथन और निष्कर्ष, ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही कठिनाई होती है सॉल्व करने में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कथन और पूर्वधारणा और निष्कर्ष कि जो इसके कोई मैथमेटिकल टूल्स तो होते नहीं हैं, तो आपको करना क्या है, आपको इसमें कुछ अपने बेसिक लॉजिक यूनिट्स लगाने होते हैं जिसकी सहायता से आप कैसे पूर्वधारणा को गलत या सही साबित करेंगे। आइए उसके लिए हम कुछ चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना होता है कि कथन में दी गई कोई भी बात, जो भी कथन में दी गई है, वो शत प्रतिशत सत्य होती है। जैसा कि पिछले वीडियो प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बता चुका है, आज का टॉपिक है कथन और पूर्वधारणा। पूर्वधारणाएं होती क्या है? पूर्वधारणा एक ऐसा कथन होता है जो अनुभव से प्राप्त किया जाता है, जो हमारे पूर्वज, जो हमसे जो अनुभवी लोग होते हैं, जो जिस रास्ते से वो होकर जा चुके होते हैं, उन्हीं के बिहाव पर जो है हम पूर्वधारणा निकालते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से, यदि हमें नहीं पता होता, आजकल जो है बहुत ट्रेंड है, गार्जियन मना करते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहा करो। क्यों मना करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनको पता होता है, उनके पास अनुभव होता है कि मोबाइल का ज़्यादा यूज करने से हमारे स्टडी, हमारी पढ़ाई पर जरूर प्रभाव पड़ता है, और वो लगातार हमें मना करते रहते हैं कि मोबाइल से दूर रहो पढ़ते समय। ठीक है, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो कुछ ऐसा ही कथन और पूर्वधारणा में भी हम लॉजिक लगाएंगे। कथन दिया होगा और आपको पूर्वधारणा एक या दो या तीन दे देगा, और आपको बताना होगा कि कौन सा पूर्वधारणा उसमें निहित है और कौन सा पूर्वधारणा उसमें निहित नहीं है। तो आप कैसे इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कथन से पहले पूर्वधारणा को पढ़ना। कथन से पहले किसको पढ़ेंगे? पूर्वधारणा को पढ़ेंगे। और उन पूर्वधारणा में से यदि कथन संतुष्ट होता है तो वो कथन, वो पूर्वधारणा वो सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। कथन में पहला दिया हुआ है, मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए। मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए आप किससे जाइए? विमान से जाइए। आपको सोचना है, अगर एक आदमी किसी को बोल रहा है कि मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए, याद रखना टर्म है जल्दी पहुंचने के लिए, आप किससे जाइए? विमान से जाइए। तो कुछ इससे पहले घटनाएं हो चुकी होंगी। लड़के ने दूसरे व्यक्ति से शेयर किया होगा कि भाई मुझे औरंगाबाद जाना है, इमरजेंसी है, मुझे कैसे जल्दी पहुंचना है। तब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सलाह क्या दिया कि मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए, जल्दी जाने के लिए आप किससे जाइए? विमान से जाइए। और ऐसी जो कल्पना हुई होंगी वहां पर, जो पहले घटना हुई होगी, उस घटना से हमें संबंध दिखाना है कथन को। तो आइए, क्या हुई होगी? मुंबई और औरंगाबाद विमान सेवा से जुड़े हैं। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हो? यदि मैं आपको कहूं रामबाग स्टेशन, या कोई भी आपके प्लेस पे जहां भी आप वीडियो देख रहे हो, कोई भी बस स्टैंड है, अगर बस स्टैंड है तो मैं तो कहूंगा ना कि यदि आपको बस से जाना है तो उस स्टैंड पे जाइए, न कि ट्रेन से भेजूंगा। तो सबसे पहले एक आदमी अगर दूसरे आदमी को सजेशन दे रहा है कि मुंबई से जल्दी जाने के लिए औरंगाबाद आप विमान से जाइए, तो उसको कहीं ना कहीं पता होगा कि मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए विमान सेवा है, तभी वो सजेशन दे रहा है। इसका मतलब ये जो है पूर्वधारणा, इसको संतुष्ट करता है, तो इसलिए पूर्वधारणा क्या हो गया? सही हो गया। अब आइए दूसरी पूर्वधारणा को देखते हैं। मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए और कोई साधन नहीं है, ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए विमान सेवा का प्रयोग करना है, तो हमें पता है कि विमान सेवा से जुड़ा होगा तभी वो जाएगा। इसमें तो कहीं मेंशन ही नहीं है भाई, क्या कि मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए और कोई साधन नहीं है? एक टर्म आया है जल्दी जाने के लिए,
जल्दी जाने के लिए टर्म आया है, तो कहीं ना कहीं जल्दी जाने के लिए विमान से बुलाए जाने के लिए, अदरवाइज साधन तो होंगे ही ना। तो ये जो है पूर्व धारणा, इसको पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसलिए पूर्व धारणा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, आपको करना क्या होता है, आपको जो है ना संतुष्ट कराना होता है कथन को पूर्व धारणा से, ठीक है। अच्छा आइए देखिए जरा, साफ वर्ड के लिए रिया कोल्ड इस्तेमाल कीजिए, साफ वर्ड के लिए रिया कोल्ड, यहां छूट गया है क्रीम, साफ वर्ड के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। अब बताओ अपने पर लो, आप एक एग्जांपल लो, एक बात बताओ, मैं यदि कोई कोचिंग चला रहा हूं एसएससी का, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि यदि मैं एसएससी की कोचिंग तभी चलाऊंगा जब एसएससी के बच्चे होंगे, मैं उसकी कोचिंग क्यों चलाऊंगा। मान लो यहां सीटेट के बच्चे हैं और एसएससी के बच्चे नहीं है, तो मैं एसएससी का बैच तो लॉन्च नहीं ना करूंगा। उसी प्रकार यदि मैं कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका कंजप्शन मार्केट में होने वाला है। उसी प्रकार एक विज्ञापन एक व्यक्ति ने निकाला है कि यदि आपको स्वच्छ शरीर चाहिए, साफ वर्ड चाहिए, तो रिया कोल्ड क्रीम का प्रयोग कीजिए, ऐसा उसने एक विज्ञापन दिया। अब जो है पूर्व धारणा को इसमें संतुष्ट कराना है। पहला लिखा है, लोग साफ वर्ड के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है भाई, जहां डिमांड होगा वहीं तो सप्लाई करेंगे। यदि मार्केट में पता है गर्मी के दिनों में एसी की सप्लाई बढ़ जाती है, ठंडियों में क्यों नहीं बढ़ती। मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस सीजन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक व्यक्ति को पता है कि लोग जो है ना अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं एक क्यों ना एक नया क्रीम लॉन्च करूं जिसका नाम है रिया कोल्ड क्रीम। तो वो कहीं ना कहीं जानता है कि लोग साफ वर्ड के लिए क्रीम का इस्तेमाल पसंद करते हैं, और इसीलिए वो विज्ञापन दिया है। ये चीज पहले आ गई, ये चीज पहले हो चुकी है, इसके बाद वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, तो पहला पूर्व धारणा इसको संतुष्ट करता है, इसलिए पहला सही है। दूसरा देखिए, लोग विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। एक बात बताओ, यदि मैं कोई ड्रामा कर रहा हूं और मुझे पता है कि कोई देखने नहीं आएगा, तो मैं ड्रामा करूंगा, नहीं करूंगा। उसी प्रकार यहां भी बोल रहा है, मैं विज्ञापन दूंगा तो हमें पता है कि लोग विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया, मतलब विज्ञापन जरूर देखेंगे भाई। 100 देखे, 5 भी आए तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार आपको बच्चों ये पहले सोचना है, ये सब सोचने के बाद कथन बनता है। तो यहां हमने पॉजिटिव सोचा है, लोग विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यह सोच करके मैंने एक विज्ञापन दिया कि साफ वर्ड के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, कहीं ना कहीं यह पूर्व धारणा निहित होती है। आइए 3 पे चलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे कथन और पूर्व धारणा को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। ओके, सेम लॉजिक है। एक विज्ञापन आदमी ने निकलवाया कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। एक बात बताओ, पहला पूर्व धारणा है कि लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। अरे भाई, यदि किसी का सर दर्द कर रहा है तो हम सर दर्द का दवा देंगे कि पेट दर्द का देंगे। उसी प्रकार उस व्यक्ति को पता है कि यहाँ पे लोग कंप्यूटर सीखने के लिए ललाहित हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमने एक विज्ञापन दे दिया, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते होंगे, पूर्व धारणा निहित है। दूसरा देखो, लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, जाहिर सी बात है, अगर कोई इंस्टीट्यूट है और जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ पढ़ने से मेरा यदि सिलेक्शन हो जाएगा वो तो वहाँ एडमिशन लेगा। यदि वो पहले से पता है कि भाई यहाँ पढ़ाई उड़ाई नहीं होती, तो क्या एडमिशन कोई लेता है। चंद्रा इंस्टीट्यूट, आप लोग जानते हैं, यूपी में नंबर वन कोचिंग, और यहाँ से बच्चे जो भी सीटेट और सुपर टेट में एडमिशन लेते हैं 90% अपने आप को मान लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वो 10% जो पढ़ेंगे ही नहीं, जो गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार मैं भी आपकी सहायता के लिए मैं अपना 100% प्रयास कर रहा हूँ। देखो बच्चों, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ जो सर्वोत्तम शब्द लिखा है, कहीं ना कहीं लड़के ये इस शब्द का इंतजार करते हैं, 100% सिलेक्शन, सुपर 20, सुपर 60, एज यू नो ऑलरेडी। तो यहाँ भी सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, मतलब ये कि लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, तभी तो मैं विज्ञापन में दिया कि सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। बोलो बच्चों, तो ये जो है पूर्व धारणा निहित होता है। ओके, चलिए आ जाइए कथन नंबर 4 पे।
कथन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किराए पर कार चाहिए। बहुत ही सिंपल, और मैं उम्मीद करता हूं आप बताओ, आप पहले सोच लो किराए पर कार चाहिए। एक विज्ञापन दिया हुआ है और पूर्व धारणा है सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, ठीक है। आप बताना, पहले अपने आप माइंड में मेकअप कर लीजिए कि कौन सा पूर्व धारणा है, कौन सा पूर्व धारणा निहित नहीं है। तो आइए, लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, खुद अपने ऊपर आप व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करो ना दोस्तों, तब आपको पता चलेगा। कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल से नहीं आते, जितना अच्छा अपने व्यवहारिक जीवन में आप उपयोग कर सकते हो उतना ही ज़्यादा आप सटीक आंसर आप दे सकते हो। एक बात बताओ, मैं ही मान लेता हूँ, अपने आप को मान के सिखा रहा हूँ कि मान लो मुझे ना मार्केट में किराए पर एक कार चाहिए। एक बार बताओ, उस व्यक्ति से तो मैं बोलूँगा नहीं ना जो अपनी पर्सनल कार डेली ऑफिस लेकर जाता है, उससे तो बोलूंगा नहीं, वो उन्हीं के लिए बोलूंगा जो किराए पर कार देते होंगे। ये विज्ञापन उन्हीं के लिए निकाला गया है कि किराए पर मुझे कार चाहिए। तो अब देखो, सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, ये बताओ, खुद सोचो जरा, सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिल सकते हैं क्या? मुकेश अंबानी अपने कार किराए पर देंगे? नहीं देंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूर्व धारणा क्या हो गया। अगर कोई ये सोच रहा है किराए पर सबका कार ले लेंगे, अरे भाई कुछ लोग अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो कार किराए कार रखते हैं, वो अपना देंगे? नहीं देंगे। तो यह जो पूर्व धारणा है सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, यह जो सोच बताई गई है ना, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती है, ठीक है। अब देखो, लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? हम विज्ञापन तभी इसलिए निकालते हैं कि लोग विज्ञापन को पढ़ेंगे। और मान लो कोई व्यक्ति किराए पर कार देता होगा, यदि वो विज्ञापन पढ़ा और उसकी कार जो है किराए पर खाली है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कॉल करेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, कहीं ना कहीं उसके माइंड में मेकअप हो गया होगा कि हाँ, यदि मैं एक विज्ञापन निकालता हूँ किराए पर कार चाहिए, तो लोग इस विज्ञापन का जवाब जरूर देंगे। तो दूसरा पूर्व धारणा क्या हो गया? सही हो गया। कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट तो आप करते नहीं हो, अरे यदि कमेंट करोगे ना तो एक टीचर अपना और एम्फेसाइज करके और बेटर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेगा, ठीक है। पैसा लगने वाला नहीं है भाई। अब देखिए कथन नंबर फाइव क्या कहता है। कथन नंबर फाइव ये कहता है कि एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए। आजकल तो हो ही रहा है ये सब, बहुत ज़्यादा लोग खाना खा लेते हैं गर्मियों में, बीमार पड़ जाते हैं, फिर क्या होगा? देखो, बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। कोई घटना हुई होगी, अब उस घटना के पीछे लॉजिक क्या है वो इसमें देखो। अब मान लो ये घटना हो गई है ना बच्चों, घटना हो गई, अब प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। अरे भाई कौन बेवकूफ होगा जिसके घर में कोई बीमार पड़ गया और उसको अस्पताल ले जाने के लिए मना करेगा? बोलो, प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। यदि अगर अस्पताल होगा ही नहीं तो कोई सरकारी और प्राइवेट करता है क्या? वो तो इलाज चाहता है, इलाज चाहता है कि नहीं, खुद बताना, सोच के अपने ऊपर। अगर तुम बीमार पड़ गए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है तो क्या आपका इलाज नहीं करवाओगे? करवाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें ईगो दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ईगो दिख रहा है। और ऐसे पूर्व धारणाएं जो अपने ऊपर लागू नहीं होती वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, ठीक है। अब देखो, यहां भी लिखा हुआ है तत्काल के पास के सरकारी और प्राइवेट, मतलब जो बीमार पड़े हैं उनको चाहे प्राइवेट में भर्ती करा दो चाहे सरकारी में भर्ती करा दो, भाई इलाज होने से मतलब है। और यहां बोल रहा है कि रिश्तेदार मना कर देंगे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने से, कहां लिखा है? तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आखिर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का काम है पब्लिक की सेवा करना। तो यदि उनमें आप एडमिट कराएंगे पेशेंट को, तो वो क्या करेगा? इलाज करने से मना कर देगा? कभी नहीं मना करेगा। तो निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे, दिस इज राइट, ओके, ये सही है। अब आइए कथन नंबर 6 पे, और ध्यान से पढ़िए आप, कथन नंबर 6 कहता क्या है। कुछ हल्के कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं इस दोस्तों, और आपसे तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूं। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का प्रयास जरूर करता है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।
कथन में लिखा हुआ है, सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को, सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के अनुदेश दिए हैं। सोचो जरा, ये हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है, होता नहीं है? 1 साल फीस 200 रुपया था, अगले साल 250 हो जाता था बचपन में, ठीक है? तो ऐसे विचारधाराओं को देखते हुए सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि शहर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो उनको नोटिस दिया कि भाई आप 2 साल तक अपने फीस में वृद्धि नहीं करेंगे। और ये क्यों हुआ होगा, जरा आइए देखते हैं इसके पीछे धारणा क्या थी, पूर्व धारणा क्या थी कि प्राइवेट स्कूलों के प्राधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि गवर्नमेंट यदि आदेश दे रही है तो यू हैव नो अथॉरिटी टू डिनाई दैट ऑर्डर। आपके पास नहीं ऑर्डर, ऐसा कोई पावर ही नहीं है कि आप गवर्नमेंट की बातों को डिनाई कर दो, ठीक है? तो यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है प्राइवेट स्कूलों के प्राधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन, यहाँ नहीं शब्द आ गया है जो कि कहीं ना कहीं इसको, इस पूर्व धारणा को इसमें सम्मिलित नहीं करता है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। आप खुद अपने आप व्यवहारिक जीवन में देखना, यदि गवर्नमेंट बोला कि प्राइवेट स्कूलों में 2 वर्ष के लिए फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी तो नहीं होगी, कुछ लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो दंड के भागीदार होंगे, इसका मतलब ये पूर्व धारणा जो दिया गया है ये गलत है। शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस देने के लिए, अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। भाई कहाँ लागू होता है, अगर फीस 5,000 है तो कभी दी हो 6,000, 5,000 से कम ही देना चाहते हो? कभी गार्जियन देता है कहीं इस स्कूल में? खुद सोचो जरा, कभी हो ही नहीं सकता ना कि किसी इंस्टीट्यूट की फीस 5,000 हो तो गार्जियन बोले नहीं भाई मैं 6,000 दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पूर्व धारणा निहित नहीं है, तो होगा पहला और दूसरा पूर्व धारणा निहित नहीं होगी। दोस्तों कथन नंबर सात क्या कह रहा है, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। इसके पीछे ना आपको सोचना है क्यों, क्या हो रीजन रहा होगा। अब देखो यहां पे हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो, हो सकता है परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलती है। भाई कहां लिखा है, पहले भी विचार करते हैं, अरे भाई यदि मैं कंप्यूटर से ऑनलाइन परीक्षा लेने की पद्धति यदि अपनाऊंगा तो ये मान लूंगा ना कि लोगों को कंप्यूटर माउस चलाने आता होगा, पढ़ने आता होगा, तभी तो ऑनलाइन पद्धति अपनाएंगे। जिंदगी में कोई कंप्यूटर देखा ही नहीं होगा तो क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम दिलवा दें? तो यही लिखा हुआ है कि बहुत से संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। तो जो संस्थाएं हैं जिस चीज़ का एग्जाम ले रही हैं वो उम्मीद करती हैं कि हमें जो विद्यार्थी मिले वो कहीं ना कहीं, हो सकता है देश के सभी भागों में उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो, कंप्यूटर में पारंगत होंगे तभी ऑनलाइन पद्धति शिक्षा अपनाई गई होगी। तो पहला निष्कर्ष क्या है, पहला पूर्व धारणा क्या है, अंतर्निहित है। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल ही क्या बोल रहा है, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक लोगों की भर्ती करने में मदद मिलती है। नहीं भाई, यदि हमारे पास 100 सीटें हैं तो 100 सीटों के ही लिए ही तो मैं भर्ती निकालूंगा, चाहे हजारों या लाखों स्टूडेंट अगर एग्जाम देते हैं तो मुझे कितना लेना है, केवल 100 लेना है। और इस बिहाव पर मैं ये कह सकता हूँ अधिक से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलती है। यहाँ जिस पैटर्न पे आप एग्जाम लोगे उसमें हम योग्य ढूंढ सकते हैं, न कि ऐसा थोड़ी कि भाई कंप्यूटर चलाने आता है तो वो पास ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलती है। ये निष्कर्ष पूर्णतया जो है पूर्व धारणा इसको संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए दोनों क्या है, ये दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, और पहला क्या हो गया, सही हो गया। दोस्तों मैं आपकी सहायता के लिए 24/7 मैं तैयार हूँ, और ये चंद्रा इंस्टीट्यूट जो है आपकी सहायता की करने के लिए तत्पर है, और बस आप लोगों का साथ चाहिए। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी है, जो भी बातें आपको समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।